प्रतिटी भारतीय हिंदू विवाहित महिला ये सधबार प्रतीक स्वामी दीर्घायु एवं सुख समृद्धि कामना करी विवाहित नारी निज सिंथी को सिंदूर से भरी था तेबे आपण जानती कि प्राकृतिक स्वच्छ सिंदूर किपरि प्रस्तुत हुए आउंठी रही सिंदूर गछ सिंदूर गछ विशेषकर हिमाचल प्रदेश में भल बढ़ी थाए कि राजस्थान भली मरुभूमि इलाकार यार वृद्धि दुर्लभ प्राय आउ एही विरल और बास्तव चित्र देखा मिली अजमेर जिले रुवा जाटोलिया परिवारों घर बाहर यह वृक्ष केवल लोकों पर आकर्षण केन्द्रबिंदु नुहे बर लोकों मध्य धार्मिक विश्वास जाग्रत कर खास यही प्रकृतिर यह बरदान को सिंथी भरवाक लोके गछर मालिकों पाखक धाई आसती केवल एतिक नुहे एही गछ को पवित्र भावी दीपावली रे पूजा कर बहुत कम लोक जानती कि सिंदूर को तैयारी करा जाए नहीं बरं एहा प्रकृतिर दान हाँ सिंदूर गछ इंग्राजी रे कलिमा नारे जणा जाय थाए खास करी एही गछ पहाड़िया अंचल रे देखा जाए किंतु राजस्थान रे एभली एकमात्र गछ अछि जहा कि अजमेर कुंदन नगर रहुथुबा अशोक जाटोलिया को घरे रहिछि एही गछ लोकों पर आस्थार केन्द्र पलटि बेले एहा प्रति समस्त पवित्र भावना रही आई गछर फल को समस्ते नहीं था ये सिंदूर का पेड़ है और ये मैं 7 साल पहले भोपाल से लेके आया था। उस समय तो गमले में लगाया 2-3 साल, उसके बाद में लगाया ये और इसको पवित्र मानते हैं सभी और रोवा किसको तो मनोकामना पवित्र सिंदूर का पेड़ भी बोलते हैं और सिंदूर ले जाते हैं और लगाते हैं यूज लेते हैं। बड़ कथा हेउची गछ मालिक भी जानी नथिले कि एहा सिंदूर गछ परे गछरे फल आसीबा परे जानिबा को पाइथिले कि एहा सिंदूर गछ आउ ए विषय रे लोकों को जानिबा परे किए बालाजी तो पुणी किए गणेशों को प्रसन्न करिबा पई गछरु फल नै थांती। अशोक जाटोलिया स्त्री सुनीता पेशारे जड़े ब्यूटिशियन आउ से कहती कि अजमेर एभली कौन सी मंदिर ना जार पूजारी एठारू सिंदूर फल नि प्रायतः बजार मिलूवा सिंदूर लाल रंगर होता रासायनिक पदार्थ थाए कि गछरू मिलूवा सिंदूर रंग सुनेली जहा प्राकृतिक यह कौन सी प्रकार क्षतिकार नुहे एथिरु बाहरुथुबा फलर दाना को सुखेई पेसिबा परे एहार रंग मेरून होई थाए। दूसरे में केमिकल होते हैं, अब जैसे औरतें मांग बढ़ती है दूसरे सिंदूर से तो खुजली भी चलती है, वहां से बाल निकल जाते हैं। इससे इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से लगा सकते हो और ये बिल्कुल 2-3 दिन तक लगा रह सकता है अगर आप सिर माथे पे लगा। जाटोलिया परिवार रे एही गछर चिन्हट परे एहार विशेष ध्यान रखा जाउछि। धार्मिक उद्देश्य रे जो माने सिंदूर मागंती एवं महिला को मागणा रे सिंदूर दिया जाय थाए एही एकमात्र सिंदूर गछर मान्यता एते बढ़ी जाइछि कि लोके एबे एहा कु धार्मिक दृष्टि रे देखुछंती। पवित्र सिंदूर जो हनुमान जी लगाया करते थे वो वैसा है, बिल्कुल एकदम प्योर पवित्र और नेचुरल है, एकदम एकदम लाल सुर्ख रंग हो जाता है इसका सिंदूर की तरह। बहुत अच्छा है, पेड़ है, बढ़िया है। चौबीस घंटिया लाइव न्यूज देखिबा पाई डाउनलोड करंतु ईटीवी भारत आप।